सितारगंज में जन्म प्रमाण पत्र में कम आयु दर्शाकर सरकारी नौकरी महिला ने प्राप्त की। बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी उदय प्रताप सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जन्म प्रमाण पत्र की जांच की गई तो जन्म प्रमाण पत्र में जन्म तिथि में कूट रचित कर आयु कम दर्शाई गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय की हमेशा ये वरीयता में रहा है कि जो भी नौकरियां हैं वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मिलें और नौजवानों को पूरा अवसर मिले, लेकिन कुछ प्रकरण इस प्रकार के प्रकाश में आते हैं जहां पे नौकरियों को पाने के लिए लोग धोखाधड़ी या गलत माध्यमों का प्रयोग करते हैं और इन घटनाओं को बहुत ही गंभीरता से हम लोग लेते हैं। इसी क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक तहरीर हम लोगों को दी गई थी जिसमें एक महिला है बासमती नाम की, इन महिला ने अपने गलत जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक प्रमाण पत्र लगा करके जिला कार्यक्रम अधिकारी के अंतर्गत एक नौकरी प्राप्त कर ली थी। एडहॉक बेसिस पे थे वो, एक काउंसलर फैमिली प्लानिंग काउंसलर की पोस्ट थी, तो उन्होंने जांच में प्रथम दृष्टया जब आरोप सही पाए तो उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी जिसके बेस पे हमने तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इस अभियोग में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी जो जांच में तथ्य आए थे उसकी पुष्टि हुई और इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उनकी अरेस्टिंग कर ली है इसमें जो अक्यूज्ड हैं, और अरेस्टिंग करने के बाद उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इनकी बाकी भी क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी की जा रही है। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें जो भी सरकारी नौकरी गलत तरीके से जो लेगा उसको भी किसी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और जो नौकरियां हैं उनमें पूरी शुचिता उसकी मेंटेन करने के लिए और पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए पुलिस भी पूरे प्रयास अपने